नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम धर्म गुरु और उलेमाओं से मुलाकात की। बता दें, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम धर्म गुरु और उलेमाओं के साथ सीएम योगी की ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा बैठक में शामिल हुए। साथ ही सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि फैसले से हिंदू मुसलमानों के बीच की दूरी ना बढ़े। उत्तर प्रदेश के कई इलाके संवेदनशील हैं, जहां कल्याण मंत्री मोहसिन रजा के साथ वरिष्ठ शिया एवं सुन्नी धर्म गुरुओं का प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इसमें प्रमुख धर्म गुरु मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना सलमान हुसैन नदवी, मौलाना फरीदुल हसन, मौलाना यूसुफ हुसैनी के साथ 15 धर्मगुरुओं ने एक घंटे से ज्यादा समय तक सीएम से बातचीत की। बता दें, इस मुलाकात के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु ने मुख्यमंत्री से अयोध्या में मस्जिद के लिए ऐसी जमीन मांगी है जहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो सके। धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 एकड़ जमीन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वीसी ने ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि हम खैराज की जमीन नहीं लेते, वहीं सलमान खान के पिता और गीतकार जावेद अख्तर का मानना भी यही था कि उस जमीन पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या फिर हॉस्पिटल। ऐसा ही मानना धर्मगुरुओं का भी है कि वहां पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जिससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आवास पर कई धर्मगुरुओं के नेताओं की बैठक हुई। जिस बैठक में हिंदू पक्ष की ओर से बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरी मौजूद थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से जमीयत ए उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी, शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद शामिल रहे। इनके अलावा कई दूसरे धर्मों के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद रहे। बता दें कि अयोध्या पर फैसले से पहले मोहसिन रजा ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और समुदाय के बड़े नेताओं के घर घर जाकर मुलाकात की थी। इस दौरान सभी मौलानाओं ने कहा था कि अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी कौम के अलावा समाज के अन्य लोगों से भी अपील है कि फैसले के बाद वो किसी भी प्रकार का उत्तेजक व्यवहार ना करे और ना ही कोई विवादित नारा दे। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ धर्म गुरुओं का शांति की अपील करने और आपसी सौहार्द बनाने में सहायता करने की दिशा में काम करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को प्रदेश के अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बात करी। इन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाने की भी अपील की। सीएम योगी ने अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलने का भरोसा भी दिलाया। जी हां, साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय को अनावश्यक परेशान किया जाता है या कोई अधिकारी कर्मचारी पक्षपात करे तो इसकी तत्काल सूचना उन्हें दी जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।